हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू और डीयू सोल के जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम के बारे में, उनके जो कोर सब्जेक्ट हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के, उनके एग्ज़ाम की डेट क्या है, और इसके अलावा हम बात करेंगे वे अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं अपने कोर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है, फाइनल डेट सीट आई है मई जून 2022। मई के अंदर और जून के अंदर एग्ज़ाम है, तो कुछ बीकॉम ऑनर्स वालों के मई में हैं, रेगुलर और पास कोर्स वालों के जून में हैं, तो इसलिए इन्होंने बना दिया ऑनर्स और बीकॉम पास कोर्स, यानी कि जो रेगुलर वाले उन दोनों का मिला के इन्होंने जो है मई जून बना दिया है। ठीक है, 2022। अब इसमें ये किन के एग्ज़ाम है जिनका एडमिशन हुआ था 2019 एंड 2020 के अंदर, 2019-20 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके लिए है ये। और इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स। तो अब याद रखना, अगर मैं यहाँ जो अब बात करूँगा बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, बीकॉम ऑनर्स के अंदर अगर आपका सेमेस्टर सेकंड है या आपका सेमेस्टर जो है फोर्थ है या आपका सेमेस्टर सिक्स्थ है, तो उसके लिए यहाँ पर बात करने वाला। तो अगर आपके पास ये डेट शीट वगैरह नहीं है तो मैं इसका लिंक इस वीडियो के नीचे, इस पूरे पेज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, तो वहां पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स के कोर सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए कोर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ इनके कोर सब्जेक्ट के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, सेमेस्टर फोर के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग और सेमेस्टर सेकंड के अंदर बीकॉम ऑनर्स के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसका एग्जाम है 18 मई को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, 20 मई को आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन की बात करें तो आप ये कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन 20 मई तक, आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 30 अप्रैल और 20 मई को आपका एग्जाम है, तो यानी कि लगभग आपके पास 1 मंथ है। आप बिल्कुल 1 मंथ में कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक कोर्स क्रिएट कर रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, आप उसको है तो फुल कोर्स, लेकिन आप उसको एज ए क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं, एक दिन में 2 लेक्चर देख के फटाफट कंप्लीट भी कर सकते हैं। वो कोर्स जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसकी 2100 रुपये फीस है, ओनली 2100 रुपये, बहुत कम फीस रखी हुई है, और उसको आप बाय कर सकते हैं हमारी ऐप पे। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को आप यूट्यूब पे जाके और प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं कॉमर्स वाले गुरुजी, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्स का भी लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप फटाफट बाय करके 1 महीने के अंदर अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, फिर आता है कॉर्पोरेट की बात। तो कॉर्पोरेट का हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है दीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, सोल के लिए, लेकिन वो 18 मई तक कंप्लीट नहीं हो, इसलिए मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कोर्स बाय करने की सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि 18 मई तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, स्टार्ट जरूर हो गया है, कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब 1 मंथ के अंदर कितना हो पाएगा, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसका मैं आपको हेल्प नहीं दे सकता। मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि अगर कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो करने से मतलब क्या। ठीक है, हाँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है वो रह सकते हैं, इसलिए इसको छोड़िए। अब हम बात करते हैं आगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का आप ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए बीकॉम, नॉर्मल बीकॉम जो है रेगुलर वालों की, उनका ये रहा, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सेमेस्टर सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ के लिए बीकॉम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर भी आपके सामने कोर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं दो। सेमेस्टर फोर के अंदर आता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अब वही सिलेबस तो सेम है, बैच स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो बैच में मई तक एग्जाम है आपका, 14 मई, ये पास कोर्स वाले है बेटा, है ना, ऑनर्स वाले नहीं है, उनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो उनका भी वही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेम है, वहाँ सेमेस्टर सेकंड में है तो यहाँ सेमेस्टर फोर्थ में है, पूरा सिलेबस सेम है, बट वो आप अगर हमसे ज्वाइन करेंगे तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, 1-2 दिन हुए हैं। ठीक है, बट यहां पर भी आपको सब्जेक्ट मिलता है सेमेस्टर फोर के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, आपका कोर सब्जेक्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। हाँ, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको 2100 रुपये फीस है। तो यहां पर जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है, यानी कि आप कह सकते हैं इसका जो करक्स है वो क्या निकलता है, करक्स ये निकलता है
चाहे आप बीकॉम में हो, चाहे आप बीकॉम आपने पास कोर्स ले रखा हो, रेगुलर कोर्स ले रखा हो, चाहे आपने बीकॉम ऑनर्स ले रखा हो, और आपके एग्जाम है मई जून में, और अगर आपके एग्जाम है मई जून के अंदर सेमेस्टर सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ के, उसमें अगर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है तो वो आप हमसे हेल्प लेके फटाफट से उस कोर्स को बाय करके जो कि 21 रुपए का है, अपने घर बैठे फटाफट से 1 मंथ के अंदर फुल प्रिपरेशन कर सकते, ठीक है? ओके, ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का। बात करें अगर और सब्जेक्ट की, तो उसके अभी तक हमारे हमने जो है कोर्सेज तो स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्री मटेरियल हम यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।